नमस्ते सबको, दिन की शुरुआत में बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको फरीदाबाद की एक बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध एक मंदिर के दर्शन करवाऊंगी। ये शिव जी के मंदिर है। यहाँ की सबसे बड़ी ऊंची शिवलिंग जी यहाँ पे ही है। तो ये मंदिर जो आप देख रहे हो, ये फरीदाबाद की बाटा चौक में है। यहाँ के जो लोकल हैं या फरीदाबाद में जो जितने लोग रहते हैं, सब इस मंदिर को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नए हैं या घूमने आ रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ज़रूर 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 यहाँ पे आइए। और यहाँ पे जो मंदिर की जो खूबसूरती है और यहाँ की जो सबसे बड़ी जो शिवलिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उसके दर्शन ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आके आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही नहीं, यहाँ पे जो आर्किटेक्ट का काम देखना पसंद करते हैं या पुराने चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी ये जगह बहुत ही खास है। यहाँ पे हर जगह आपको एक नया कुछ दिखने को मिलेगा। हर तरफ में मंदिर में बहुत सारे देवताओं के यहाँ पे मूर्ति है, सारे भगवान के दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हर भगवान यहाँ पे स्थित है। इसके बाद यहाँ पे माँ का भी एक चौकी है, जो मैं आपको दर्शन करवाऊंगी। एक के बाद एक मैं आपको बहुत अच्छे से ये दर्शन करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप देखते जाएं तो हर जगह में आपको बहुत कुछ नया दिखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है सबसे बड़ी शिवलिंग। इतना ऊंचा है कि आपको दो माले में जाके शिव जी का जो लिंग है, उसका सिर आपको एकदम ऊपर दो माले में जाके आपको दिखना पड़ेगा। और ये मंदिर सीढ़ी भी है वहाँ से ऊपर तक जाने के लिए। और ये है माँ के दर्शन करने के लिए हम अंदर जा रहे हैं। ये जो काम है, ये बहुत सा आपका वैष्णो देवी का जो गुफा है, उस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। अंदर से भी ये मंदिर बहुत खूबसूरत है। और माँ तो जहाँ भी रहती है, बस अपने भक्तों के लिए, बस वही उनका सब कुछ है। तो आप लोग ये दर्शन कीजिए। यहाँ पे भी माँ बहुत खूबसूरती से, बहुत श्रद्धालु के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग ज़रूर आइएगा, माँ के दर्शन कीजिएगा। यहाँ पे नवग्रह मंदिर भी है, जो एक के बाद में एक आपको दर्शन करवाती जाऊंगी।
हाँ देखिए, ये वही नवग्रह मंदिर है जहाँ आप नवग्रह दर्शन कर सकते हैं। एक ही जगह में आके आपको सारे आपके जितने देवताओं के दर्शन ही एक साथ हो जा रहे हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है, यहाँ पे घंटों भर आप अपनी वक्त बिता सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हर जगह को इतनी खूबसूरती से बना के रखा गया है कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जितनी साफ है उतनी मनमोहक है। मंदिर के दर्शन हो जाने के बाद हम लोग स्टार बाक्स में आए हुए हैं थोड़े कॉफ़ी और स्नैक्स लेने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत देर से मंदिर में घूम रहे थे तो बच्चों को भूख लग गई। तो हम फिर से पैवल डाउनटाउन मॉल के सामने जो स्टार बक्स का जो शॉप है वहाँ पे आ गए हैं। तो देखिए छोटी वाली कितनी एक्साइटेड है अपनी मतलब कॉफ़ी, आइस कॉफ़ी उसको मिली है तो बहुत खुश है वो। तो यहाँ पे ना हम लोग आए हैं, फिर मॉल के अंदर गई थी तो बच्चों को गेम जोन में खेलना था। तो देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं सब, इतना एक्साइटिंग था ये वीडियो गेम का जो ये प्ले स्टोर है। बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है यहाँ पे, और हमारे टीम जीतने की खुशी सेलिब्रेशन तो बनता है। तो बस उसके बाद हम लोग फूड कोर्ट में आ गए, अपना डिनर यहीं पे करके हम लोग वापस जा रहे हैं। हर बार मैं जब भी मॉल में आती हूँ ना तो रात का डिनर मैं ज़्यादातर करके ही घर जाती हूँ कि और कोई झंझट ना रहे, क्योंकि इतना सब खाने के बाद ना फिर घर में जाके फिर से खाना बनाओ वो मेरे लिए और एक झंझट है। उसके बाद मेरी छोटी वाली को थोड़ा और खेलना था, उसका तो खाने का कोई ठिकाना नहीं है लेकिन बस खेल कूद में उसको रहना है। उसे गेम जोन में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम लोग मॉल से निकल के आ गए, अब घर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसे लगे, और टीम इंडिया के जीत के लिए